अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और बिना देरी किए हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं अपना न्यू ब्लॉग, क्योंकि 15 दिन हो गए थे हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज कुछ आउटिंग प्लान करते हैं। तो बस हम लोग घर से निकले थे तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 बजे के करीब, और नाश्ते के लिए हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे, और यहाँ हलवा पूरी थी और नहारी थी, जो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। ये एक इंडियन मुस्लिम रेस्टोरेंट है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। यहाँ के मौसम का वैसे ही नहीं पता, कभी गर्मी और कभी सर्दी, तो आइडिया नहीं हो पाता है कि कब किस तरह का मौसम है। सुबह जब हम लोग निकले थे तो मौसम अच्छा था, फिर थोड़ी ही देर बाद मौसम अच्छा खासी गर्म हो गया था जब तक हम लोग अपने घर पहुंच गए थे। फिलहाल कैफे जावाज़ से हम लोग गए थे मॉल, इट वाज क्वाइट नाइस, बट ये है कि कराची वाला जो आपको वाइब होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि कराची में तो माशाल्लाह से सुबह जाओ तो भरा हुआ होता है, रश काफ़ी ज़्यादा होता है। बट अगर ये आपको चीज़ परदेश में मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका फिर इन सब चीज़ों से दिल लगा रहता है। और ऑल ओवर अगर इसकी मौत की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, है पुरसकून था, और यहाँ की स्टेशनरी देखे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं जो चाह रहा था मैं सब उठा लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्टेशनरी का शौक़ है, तो बस मैं देख के मुझे हो रहा था कि मैं यहाँ की एक एक चीज़ें लूँ। माशाल्लाह से यहाँ पे बुक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी, और मैं इतनी वैरायटीज़ ऑफ बुक्स को देख के पागल हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा हर बुक्स की वैरायटी थी और हर तरीके की वैरायटी थी। मीन्स अगर आपको कुकिंग की भी बुकलेट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, मैगजीन भी मिल जाएंगी, सफारी की भी बहुत सारी थी, ऑल ओवर बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। और कार्ड्स वगैरह भी अवेलेबल थे, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, ज्वेलरी मेकिंग वगैरह की चीज़ें थी बहुत अवेलेबल थी यहाँ पे, और कुछ एक्सपेंसिव भी थी और कुछ अफोर्डेबल भी थी। तो ये है कि स्टेशनरी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ की बेहतरीन किस्म की लगी, और सबसे बड़ी बात कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना सुकून वाला मॉल देखा है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून था, रश बहुत कम था, बट यहाँ की जो चीज़ें थी बहुत यूनिक थी, बहुत अच्छी थी। डेकोरेशन के लिए भी आप इधर से इजीली बाय कर सकते हैं, मींस डेकोरेशन की बहुत अच्छी चीज़ें थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जो आर्ट का शौक़ रखते हैं वो भी अच्छे खासे यहाँ पे उनको चीज़ें मिल जाएंगी, स्केच बुक्स वगैरह जो होती हैं वो मिल जाएंगी, पेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, बट मुझे थोड़े से पेंट वगैरह जो है थोड़े से एक्सपेंसिव लगे, बट कोई नहीं। और सबसे अच्छी मुझे ये बुक लगी कि आप इसके अंदर बहुत सारी, मीन्स आप ये मैजिकल बुक ही कह दें, या आप इसके अंदर अपनी चीज़ें जो है रख सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। ये कप्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, और ये सारा जो है आप अपना डेकोरेशन की जो है चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं, इजीली बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन की भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, पेंटिंग्स थी, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें उठा के अपने साथ ले चलूँ, बट ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, काफ़ी दिन से ना मैं घर में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो रही थी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था बाहर जाने का, और यकीन माने इतनी मुश्किलों से मैंने अपने आप को रेडी किया कि चलो यार चलते हैं, बट जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो फिर मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फील करने लगी थी। और ज़रूरी होता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप घर में मुसलसल रहेंगे तो आप वाकई में होमसिक हो जाते हैं, और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि हम फिर एक एनवायरनमेंट के आदि हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फिर अपने आप को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो खैर हम लोग किसी तरह से हिम्मत करके बाहर निकले और यहाँ पे पहुँच गए थे, और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव फील कर रही थी, फ्रेश फील कर रही थी। तो भाई निकल जाया करें अपने प्यारों को लेके, चाहे उसमें मदर हो, फादर हो, सिस्टर्स हो। तो जब मैं कराची में रहती थी ना, तो यार हम लोग इसी तरह करते थे,
कि हम लोग निकल जाते थे अपनी, क्योंकि हम बहन ही बहने थे, तो हम लोग निकल जाते थे घूमने फिरने के लिए, कुछ नहीं तो 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर चले जाते थे। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे ये सेक्शन इतना पसंद आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्ली था और मुझे ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे अपनी कज़न्स वगैरह बहुत याद आ रही थी कि अगर वो होती तो मैं इनके लिए ज़रूर यहाँ से चीज़ें बाय कर सकती, और उनको ये, उनको क्या, हम सबको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी जो कि आप बाय कर सकते हैं, और बैग्स वगैरह भी यहाँ अच्छे थे। और हम लोगों ने तकरीबन 1-1.5 घंटा सिर्फ घूमा है और जो चीज़ें लेने की थी वो ली है। तो फिलहाल काफ़ी हम लोगों को टाइम हो गया था बाहर, और उसके बाद मैं आके इतना थक गई थी कि मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा था, और बस उसके बाद इतनी गर्मी हो गई थी अचानक से कि जब हम लोग घर आए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और थोड़ी देर में ही बारिश हो गई थी, और बारिश के साथ साथ फिर मैंने चाइनीज़ राइस तनावुल फरमाए थे। और बस यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।